ओप्पो A11K। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इस फ़ोन को आप रिसेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में घंटी का ऑप्शन आए उसे भी दबा दीजिएगा। इससे पहले मैंने इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया था कि ये बताइए किस तरीके से हम इस फ़ोन को रिसेट कर सकते हैं और भी विदाउट डेटा लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, और ये मत सोचिए ये फैक्ट्री रीसेट यहाँ से भी होता है, लेकिन उसमें आपको डेटा लॉस हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको कोई डेटा लॉस नहीं होगा, और इसके बाद आपका जो फोटोज़, ऑडियो और वीडियोज़ वगैरह सब कुछ एकदम बरकरार रहेंगे। एडिशनल सेटिंग में जाना है फाइंड करके, उसके बाद यहाँ से आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड का थीम वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ रीसेट करने पे, तो रीसेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको रीस्टेट और बैकअप का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से बैकअप भी ले सकते हैं इस पर क्लिक करके। और यहाँ पे फैक्ट्री टू रीसेट सेटिंग, आपको इसमें जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप चाहते हैं इरेज ऑल डाटा, यानी कि सभी डाटा को आप उड़ाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि सिर्फ जो आपका फोटोज़, वीडियोज़ क्लियर हो, ऑल डाटा इंक्लूडेड फोटोज़ एंड म्यूजिक, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ मेरा कुछ भी उड़े नहीं, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। एसएमएस एंड और इसका रिसेट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस, ये सब सेटिंग है जो कि आप इसको इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं और अपने मोबाइल को रिसेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सभी सेटिंग के बारे में पता चल गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप, और जो भी आपका रुचि है उसको उड़ाना चाहते हैं उसको उड़ा सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फैक्ट्री रीसेट ऑल डेटा करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए। फोटोज़, वीडियो, अकाउंट वगैरह जितने होंगे सब उड़ जाएंगे, यूज़र नेम वगैरह। यहाँ पे क्लिक करना चाहते हो तो इस फोटो और म्यूज़िक जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिम कार्ड के जो जो कॉन्टैक्ट जो लिस्ट होता है, इनकमिंग आउटगोइंग जो हिस्ट्री, उस पर क्लिक करेंगे तो इस पर करेंगे तो वो डिलीट होगा। आप चाहते हैं एसएमएस वगैरह वो सब डिलीट करना तो इस पर क्लिक करना होगा। बस इस पर क्लिक करके अपना बटन अपना डाल के अपना रीसेट कर लेंगे। तो गाइस, ये था फीचर्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया। आई थिंक वीडियो पसंद आया, पसंद हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सके, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।